अभी हम बनाएंगे हैदराबादी चिकन कड़ी। इसके लिए हमने 300 ग्राम चिकन ले लिया है और इसमें डालेंगे ये खाने वाला लाल कलर, और इसके ऊपर हम डालेंगे 2 चम्मच दही। ये 2 चम्मच दही इसके अंदर डाल देंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे अब 2 चम्मच छोटे चम्मच नमक। ये 2 छोटे चम्मच नमक इसके अंदर टेस्ट के लिए, और इसमें डालेंगे हम ये 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके ऊपर हम डालेंगे ये 1 चम्मच लाल मिर्च, और इस सब को मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। इस तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा चिकन जो है मिक्स हो चुका है, और इसको हम एक आधा घंटा तक मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। हैदराबादी चिकन कड़ी के लिए हमने पहले चिकन को मैरिनेट किया था आधा घंटा। अब इस कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल डालने के बाद तेल को गर्म कर लेंगे, और इस गर्म तेल में सबसे पहले हम डालेंगे ये चिकन फ्राई करने के लिए। ये मैरिनेट किया हुआ चिकन को फ्राई कर लेंगे। ये मैरिनेट किया हुआ चिकन को पहले फ्राई कर लेंगे। कर लेंगे और 5 मिनट तक इसको ढक देंगे, और ये 5 मिनट बाद ढक्कन हटा के एक बार चला लेंगे, ताकि ये मैरिनेट करके हमने मसाले डाले थे चिकन में जले नहीं और चिकन भी जले नहीं। इसके लिए हम चला लेंगे और फिर इसको हम 5 मिनट तक ढक देंगे, और ये 5 मिनट बाद फ्राइपैन का ढक्कन हटा के एक बार चिकन को चला लेंगे। ये चिकन फ्राई हो चुका है और मसाले का भी कोटिंग हो चुका है जो मसाले मैरिनेट किए हुए थे, उसका कोटिंग हो चुका है चिकन के ऊपर, और इसको ढक के हटा लेंगे और इस पर डालेंगे एक दूसरा कढ़ाई। और ये कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। ये 2 चम्मच तेल हम गर्म कढ़ाई में डाल देंगे, और तेल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे तेज़पत्ता। ये तेज़पत्ता इसके अंदर, और इस तेज़पत्ता के ऊपर डालेंगे हम एक छोटी चम्मच जीरा। ये जीरा इसके अंदर, और इस जीरा पे हम डालेंगे ये 4 हरी इलायची, और इस हरी इलायची पे हम डालेंगे 1 लंबी कटी हुई प्याज। ये लंबी कटी हुई प्याज इसके अंदर, और प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे, पहले 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। 2 मिनट बाद फ्राई पैन से ये ढक्कन हटा लेंगे, और ये प्याज हमारा जो है वो फ्राई हो चुका है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, और इसमें डालेंगे 1 कटी हुई टमाटर। ये कटी हुई टमाटर इसके अंदर, और इसको 2 मिनट तक ढक देंगे। 2 मिनट बाद ये ढक्कन हटा लेंगे, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला छोटी चम्मच, 1/2 चम्मच छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और 1 जीरा पाउडर। सबको मिक्स कर लेंगे, इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और
और इसको फिर से हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे और ये कुछ देर बाद ढक्कन हटा लेंगे। ये टमाटर भी हमारा फ्राई हो चुका है मसाले के साथ और इसमें डालेंगे हम ये 1 गिलास पानी, 200 ग्राम के आसपास पानी। पानी डालने के बाद इसमें डालेंगे हम ये चिकन जो हमने फ्राई कर लिया था, वो इसके अंदर। और इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और इसको ढक देंगे हम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद ढक्कन का ढक्कन हटा के ये हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ प्याज। ये फ्राई किया हुआ प्याज और इसको मिक्स कर लेंगे इस चिकन करी में और इसको 5-7 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे। और ये 5 मिनट बाद ढक्कन हटा लेंगे और इसमें डालेंगे ये बीच से चीरा लगाया हुआ हरी मिर्च 3 और इसके ऊपर ये पुदीना पत्ता और इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक इसको ढक के पकाएंगे। ये 2 मिनट बाद ये ढक्कन हटा के फ्राइपैन का एक बार चला लेंगे चिकन करी को और इसमें डालेंगे ये धनिया पत्ता डाल लेंगे और 2 मिनट तक और इसको ढक के पकाएंगे। और ये 2 मिनट बाद फ्राइपैन का ढक्कन हटा के इसको चला लेंगे। ये तैयार हो चुका है हैदराबादी चिकन करी। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ये तैयार है हमारा हैदराबादी चिकन कड़ी।